बचपन से हमें हनुमान चालीसा जब मम्मी ने सिखाई थी, आई थिंक आई वॉज 4 ईयर्स ओल्ड, और हम बचपन में सुना करते थे पहले, एंड देन शी हैंडेड अस दोज लिटिल बुक्स, और हम एक ट्रिप पे गए थे और वहाँ पे हनुमान चालीसा हमें पढ़ के सुनाई थी, मतलब बोला था कि पढ़ो, एंड आई वॉज रियली स्मॉल, आई थिंक सेकेंड में होंगी मैं, सेकेंड या थर्ड में, सेकेंड में ही होंगी भाई. और मम्मी ने बोला कि यू हैव टू टेल मी वट हाउ यू फेल्ट ड्यूरिंग द नाइट. ठीक है, तो अब बाकियों का तो मुझे पता नहीं, बट आपको तो पता ना कि मेरा तो कहानियाँ शुरू हो गई होंगी, तो मैं तो रात को ही ना से सोई हूँ कि हाय मेरे साथ तो कुछ होने ही वाला है. फिर? और उसके बाद में जब उठी हूँ तो मुझे रात को ये सपना आया कि मैं खाई में हूँ, गिर गई, और वहाँ मुझे बचाता है एक शेर. शेर बचाता है? शेर बचाता है. तो बेसिकली वो ये था कि हनुमान जी ने मुझे बचा लिया, मेरी इंटरप्रिटेशन. तो फिर मैं, आई वॉज अ बिग फैन. शी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, द स्टोरी. वैसे girl. अगर आप बैकग्राउंड में सुनना चाहते हो और अपना काम करना चाहते हो लाइक अ मेडिटेशन, देन कृष्णा दास की हनुमान चालीसा इज लाइक सुपर ऑसम. यू गाइज कैन गो फॉर इट इफ यू हैवंट यू नो हर्ड इट. ऐसी चीजें हैं, मुझे मैं ज्यादा आपको वो नहीं दूंगी, इसको देख लेते हैं. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर, राम दूता दुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कीचित केसा, सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार ये मूवी कब आ रही है? तो फिर मैं सोच रही हूँ कि शुरुआत इसी गाने से की जाए. इट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल वर्जन. द पॉइंट इज, मैं अपनी बात कर लेता हूँ पहले, फिर ये शुरू हो जाएगी. कि हनुमान का हमने ट्रेलर देखा था ना, तो हमें वो फीलिंग आई थी कि ओके एनिमेशन से हनुमान जी और रिसब करा गया. तो ऐसी काफी सारी मूवीज आती हैं, बट ये एनिमेशन वाली थोड़ी है, इसमें रियल लोग. हाँ वो भी है, एनिमेशन हाँ. भी है और अच्छी एनिमेशन है, कम बजट में अच्छी एनिमेशन है. बजट का और वो सब का मुझे पता नहीं टेक्निकलिटीज का, बट मैं एक नॉर्मल बात आपसे करना चाहती हूँ, पहले कर लूँ एनिमेशन वाली. कि ना ड्यूरिंग द एंटायर चालीसा अलग अलग उनके वो दिखाए हैं, कहीं वो पावरफुल दिखाए हैं, कहीं वो भक्ति भाव में दिखाए हैं, कहीं वो ऐसे दिखाए हैं वरीड अबाउट सीता मैया, कहीं वो रिलैक्सिंग दिखाए हैं, कहीं वो ऐसे फन, हाँ. फन कर रहे हैं. द ब्यूटी ऑफ द एनिमेशन इज दैट विदाउट इवन यू नो कोई वर्ड्स, तो जो भी चल रहे हैं वो तो पूरी चालीसा चल रही है, बट वो पोजीशन और वो जो कर रहे हैं ना एक्शन में, उसमें उनका एक्सप्रेशन, उनके इमोशन उनके चेहरे पे हैं. बहुत प्यारी एनिमेशन, बहुत प्यारी, बहुत सिंपल, कुछ वो नहीं हो रहा है. और कुछ कुछ इफेक्ट्स बड़े प्यारे हैं, जो ऐसे करके खड़े हैं तो वो धूप जो है वो हल्का हल्का वो हो रहा है मुझे. और वो जो ऐसे करके उड़ रहे हैं छोटा बच्चा हनुमान जी, और उनके वो जो लाइट के पूरे मतलब ऐसे हो रहा है ना, सूरज को ही खाने चले गए थे ना, है ना, सूरज को खाने चले गए थे. ये तो मुझे पता है, वही ज्यादा मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता है. सूरज को खाने चले गए थे तो वो पूरी सनरेज दिखाई है ऐसे से उनके वहां से निकल रही है. तो वेरी ब्यूटीफुली डन, अमेजिंग. मतलब बच्चों के लिए भी बड़ा एंटरटेनिंग है, अगर आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. दे विल रिलेट विद इट. पॉइंट में आना चाहता था कि द फिल्म मेकर्स जो इस मूवी के हैं, अभी जैसे आदि पुरुष आ रही है, मजाक है वो भी, दिस दे आर सीरियस अबाउट हनुमान जी. ये मूवी ऐसा नहीं कि क्या होता है ना, कभी कभी होता है कि भगवान का वो डाल दो और थोड़ा लोग ऑडियंस आ जाएगी. ये दे आर रियली सीरियस और दैट एक्साइट्स मी मोर अबाउट दिस मूवी कि ये क्या दिखाएंगे और क्या स्टोरी होगी और पूरी लाइफ. हाँ मैं एक्चुअली मैं बताऊँ कि मैं ज़्यादा रिलीजियस हूँ नहीं, और मैंने बचपन में अगर आती भी थी चीज़ें तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता था, मैं गेम ही खेलता रहता था. ये उस अपोजिट साइड है, मगर इसकी भी नॉलेज टू अ लिमिट है और धीरे धीरे आप फिर स्टोरीज भूल भी जाते हो. हनुमान चालीसा तो ये रोज सुनती है तो थोड़ा बहुत. बाय फार द मोस्ट पावरफुल थिंग नोन टू ह्यूमन काइंड फॉर प्रोटेक्शन. अच्छा ऑफ कोर्स ओके. इफ यू स्टार्टिंग योर डे रिमेम्बरिंग हनुमान जी एंड द चालीसा टॉक्स अबाउट यू आर सीकिंग हिम टू प्रोटेक्ट यू. अगर आपने अपने दिन की शुरुआत ही ऐसी की है, व्हाट कैन गो रॉन्ग. Take some tips from me. मुझे क्या ट्रोल क्या कर रही है मुझे तो इस पे? ट्रोल करूंगी यार, तुम्हें पता नहीं है. जरूरी नहीं है ना हर चीज़ पता. हाँ तो मैं आपको ये क्या बता रहा था, ये कहीं ले जाके मेरे को पटक देती बस. चलो ठीक है. तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर जो होगी ना हमारे लिए बहुत जरूरी है. मेरे लिए बहुत जरूरी है. नहीं मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे बचपन की ना कुछ कुछ स्टोरीज याद है, सारी नहीं. इसलिए हम ये पिक्चर देखेंगे क्योंकि इसमें सबसे क्यूट जो मुझे, मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनकी बचपन की कहानियां, बिकॉज ही वॉज वेरी नॉटी और उन्होंने बचपन में भी बहुत चमत्कार किया. थिएटर में मजा आएगा देखने में. हाँ तो ये पिक्चर हम काफी इंजॉय करने वाले हैं. द इंडियन कपल पॉडकास्ट का चैनल खोल दिया है, वो देख लेना. अगर हमारी लंबी लंबी बातें सुननी हो तो हम थोड़ी सीरियस और ऐसे दुनिया की बातें करते हैं. और यार मैं एक और फूड चैनल, रुक जा, पूरी प्रमोशन दे. और फूड चैनल भी मैंने खोला है, उसका नाम है फूड कहानियां. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.